close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I will go आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए. आप लोग को अच्छा रहना पड़ेगा क्योंकि आप लोग हो मेरी फैमिली मेंबर्स. तो गाइस एक चीज देखो गाइस, मेरा आग नहीं खुला, मैं इतना ज्यादा नींद और अभी पता है कितना बज रहा है, अभी बज रहा है दिन का एक. आप लोग देखो पीछे घड़ी, तो गाइस अभी बज रहा है दिन का एक. अभी मेरा आग देखो क्या है, क्योंकि आज मैं बहुत लेट से सोया था. सुबह में सुबह 6:30 बजे सोया था. बट कोई नहीं, छोड़ो ऑटो. बात कुछ ऐसा है कि आज का व्लॉग है गाइस, आज का व्लॉग में क्या आप लोगों को पता है, मुझे जाना है इको पार्क. इको पार्क में क्या आप लोग समझ रहे हो, बहुत बड़ा पार्क है. वहाँ पे घूमना है, थोड़ा इंजॉय करना है, खुद को थोड़ा रील्स वगैरह बनाना है, अच्छे अच्छे गर्ल लोग को देखना है, ताड़ना है. कुछ पसंद आई तो जैसे उससे बात करें, एयर होस्टेस गर्ल से, वैसे उससे भी बात करूंगा क्या है. तो चलो कोई नहीं. एंड गाइस एक चीज और, ये जो ब्लॉग है ये पार्ट वन पार्ट टू करके आए. तो गाइस आप लोग वीडियो बने रहो गाइस. एंड आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो, कैसे नहीं आप लोग के घर पे. मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा, एंड होना भी चाहिए गाइस. एंड मेरा यूट्यूब चैनल को अपना स्कूल फ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी फैमिली, अपने मामा, सबको फैला दो, सबको जितना है सबको फैला दो गाइस. एंड गाइस मैं आप लोग को एक चीज और अभी दिखाने वाला हूँ, आज मैं क्या पहनने वाला हूँ, मैं आज क्या करने वाला हूँ, फंकी लुक करने वाला हूँ या फॉर्मल. देखो फॉर्मल लुक तो मुझसे ज्यादा अच्छा होता नहीं यार, मुझे उतना समझ में नहीं आता कि फॉर्मल लुक मैं कैसे करूँ. तो जहां तक आप लोग सोच ही लो कि आज मैं फंकी लुक करने वाला, फॉर्मल लुक मुझसे बिल्कुल नहीं होता है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ. तो आज मैं फंकी लुक करने वाला, तो आप लोग देखो मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा. तो गाइस ये वाला टी शर्ट जो मैंने फैंसी से लिया था गाइस, थोड़ा फंकी टाइप का है ठीक ना, ये टी शर्ट एंड ये वाला जीन्स दोनों न्यू है. एंड ये वाला मेरा शूज, ये शूज तो मैं आप लोगों को दिखाया होगा शायद, ये वाला शूज मेरा, ये मेरा फैब शूज है गाइज, ये मैंने लिया था फैंसी से, ये भी समझे ना, ईद के टाइम लिया था. बट अभी तक मैंने ये शूज पहना नहीं गाइज, अभी तक नहीं पहना, अब जाकर के आज पहनने वाला हूँ. तो गाइज अब ये मैंने रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हो. एंड मेरे साथ जा रहा है मेरा ये दोस्त, हेयर ड्राई कर रहा है, आप लोग देखो इधर देखो एक बार, हीट मार रहा है. एंड अब हम लोग को यहाँ से डायरेक्टली निकलना पड़ेगा गाइज. एंड देखो ये वाला बहुत ज्यादा फंकी लुक हो गया है, पर मन किया करने का फंकी लुक तो मैंने कर लिया. अब यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट कहाँ निकलना है बॉस, अरे यहाँ से हम लोग कहाँ निकलना है, इको पार्क जाना है, इको पार्क जाना है. बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, यहाँ पे 2 बज रहे हैं, देखो क्या होता है क्या नहीं होता. तो गाइज अभी हम लोग हावड़ा के पास है, यहाँ पे हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो. उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं. अभी टाइम हो रहा है पक्का 2 बज रहा है घड़ी में. एंड अभी उस पार में कैब आने लगे, तो हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर वेट कर रहे हैं. इवेंट बहुत ज्यादा धूप है, धूप बर्दाश्त नहीं हो रहा, देख रहा पूरा पानी पानी हो गया हम लोग, पूरा पानी पानी. तो गाइज यहाँ से डायरेक्ट कैब पकड़ना है, कैब पकड़ के निकलना है, फिर देखते क्या होता है क्या नहीं होता है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो बने रहे. तो गाइज अभी मुझे ऊपर होना है, लाइक कैब उस पार आएगा, इस पार नहीं आएगा. ये मैं पता है इतना दिन से ब्लॉग बना रहा हूँ, पर ये पहला ब्लॉग है जो मैं इको पार्क का ब्लॉग बना रहा हूँ. चलो ठीक है, हम लोग का कैब आ चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो. चलो हम लोग अंदर चलना चाहिए. तो गाइस अब हम लोग कैब के अंदर आ गए हैं. एंड भाई गर्मी के बारे में कुछ बोलेगा, गर्मी तो भाई एकदम गर्मी इतना ज्यादा है ना गाइस, जान निकल गया, देख रहे हो यहाँ से पूरा पानी निकल. बाप रे बाप. एंड भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे कैब के अंदर बैठा वैसे ही एसी ऑन था, ऑफ नहीं था. तो अब थोड़ा दिल को राहत मिल रहा है ना भाई, या अल्लाह. तो आज हम लोग को बहुत सारा फोटो शूट करना है, अच्छा से अच्छा व्लॉगिंग करना आप लोग को दे रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है गाइज. और मेरे साथ है मेरा दोस्त सोनू. तो गाइज आप लोग अभी देख सकते हो, ये हम लोग सॉल्ट लेक एरिया में आ गए हैं. हम लोग को मतलब बहुत कुछ बोलता है सॉल्ट लेक बहुत अच्छे एरिया है, पर देखो गाइज सॉल्ट लेक क्या पहाड़ा का तरह कुछ कुछ जगह है, ऐसा नहीं कि हम लोग टिकियापाड़ा में जैसे जैसे गली कुछ ही रहते ना, तो ये सॉल्ट लेक का गली कुछ ही देखो. तो गाइज आप लोग टिकियापाड़ा को बहुत कुछ बदनाम करते हैं, प्लीज यार टिकियापाड़ा को बदनाम मत किया करो, है कि नहीं भाई.
बुरा लगता है भाई, हम लोग टिकिया पड़ा लवर है भाई, हम लोग को कोई बोलेगा बुरा नहीं लगेगा। सही बात है भाई। ये सब जगह देख रहे हो, ये रहा शॉर्ट लिंक एरिया, तो ये हम लोग टिकिया पाड़ा का तरह हुआ यार गली गली, आप लोग खुद देखो ना। तो प्लीज यार टिकिया पाड़ा को इसके अंदर कोई बदनाम ना किया करो, हम लोग को बुरा लगता है भाई, हम लोग वहाँ से पले बड़े है कि नहीं। सही बात है भाई, सही बात है। आई लव टिकिया पाड़ा, आई लव टिकिया पाड़ा। टिकिया पाड़ा बहुत फेमस है, अरे आप लोग खुद देखो ना यार, ये टिकिया ही पाड़ा का तरह तो है गली गली, बस रोड थोड़ा अच्छा है। तो देखो यार नाम भी तो सॉल्ट लेक, हावड़ा बिलेलियस रोड, टिकिया पाड़ा, सॉल्ट लेक, समझ रहे हो ना यार डिफरेंस है भाई। अकेले अकेले कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, शर्म भी नहीं लग रहा, बड़े बेशरम हो। तुम बहुत बड़े बेशरम हो, अकेला अकेला तुम पी रहे हो। थम्स अप का मजा ही कुछ और है, पीना ही चाहिए। Till my shadow turns to sun rays and I... आप लोग देख सकते हो ये इको पार्क का गेट नंबर 1 के पास हम लोग आ चुका है, हम लोग को यहाँ से सीधा चलना चाहिए, तो चलते आओ। ये पता है इको पार्क खुले हुए हम लोग कलकत्ता में काफी टाइम हो गया, पर ये फर्स्ट टाइम है जो मैं फर्स्ट टाइम इको पार्क आया हूँ। इससे पहले आगे मैं गया था, आप लोग को शायद वो ब्लॉग अभी भी होगा, आप लोग देख सकते हो। टिकट काउंटर कहाँ है मुझे अभी तक ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे टिकट काउंटर कहाँ है। क्या बोला भाई, फिर से बोल तो, रिपीट कर तो वो बात। अरे हम लोग तो लग रहा फोटो लेना है, इसका मतलब काला हो जाएंगे हम लोग इधर ही पे। फोटो के लिए जितना हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई,
फोटो क्लिक करना है यार, समझ रहे हो? फोटो तो क्लिक करना है यार, तभी कहाँ है। देखो सब कपल लेकर आ, काश हमारी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, हम भी किसी को लेकर आते। हम लोग आपस कोल्ड ड्रिंक है, चिल्लाओ मत। कहाँ तो हम लोग आपस ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक है ही, कुछ आ रहा है कुछ और नहीं आज तक फिर लतावा तावा तावा। अल्कोहल से हम लोग बहुत दूर है भाई, शुगर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस हम लोग को लेस वेस लेना था, तो दो दो कुछ लेस क्या लेगा, कुरकुरे लेगा या लेस लेगा? लेस लेना, लेस दो दो लेस दे दिया दो। कितना? 22 26 बारह रुपए का। 12 रुपए का ठीक है भैया। नहीं नहीं बेवफाई पे क्या हुआ, गिर गया? बहुत 65 बोल रहे हो। अबे बेवफाई तो हमको हुआ है, तेको भाई मेरा साथ भी हुआ है भाई। तेरा साथ कब हो गया यार? कुछ दिन पहले ही हुआ है, नहीं पता है तब तेको। कुछ दिन पहले हुआ है, एक नया गर्लफ्रेंड पटा लिया है बोल रहा। नहीं भाई नहीं, गलत है। ये देख सकते हो, ये इको पार्क का टिकट काउंटर है, हम लोग को टिकट का पहले प्राइजेस पूछना चाहिए। टिकट कितना करके? तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये इको पार्क का टिकट है, लीजिए आप टिकट, फाड़ दीजिए आप, फाड़ दीजिए आप। तो गाइस ये रहा इको पार्क का गेट, अब हम लोग इको पार्क का गेट के अंदर जा रहे हैं। कहाँ से स्टार्टिंग करें भाई हम लोग घूमना? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इतना धूप है, धूप बहुत ज़्यादा है। ठीक है यार, धूप नहीं रहेगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, फोटो हम लोग को क्लिक करना है जो इतना तो हम लोग सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो लड़का टी शर्ट उशर्ट सब उतार दिया, देख जा एक लड़का टी शर्ट वगैरह सब उतार दिया उसको, गर्मी इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है अपने गर्लफ्रेंड के सामने। हाँ भाई यारी सब जगह का वैल्यू है, यही तो ये सब जगह का वैल्यू है भाई, वहाँ पे मजाक। कोई अगर खूबसूरत लड़की, मजाक नहीं बोलना, अगर मिल जाती है हाय हेलो करके फ्रेंडशिप बनाने का ट्राई किया जाएगा। जिससे किए थे मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, एक बार हम लोग का कटा है, दोनों का कटा है, एक जन का नहीं दोनों का कटा है हम लोग का। दोबारा होगा नहीं हो पाएगा मोहब्बत अब हम लोग से। यहाँ पे हम लोग का फेस देखो गर्मी से क्या हाल हुआ है। तो गाइस जब हम लोग वहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ पे सिर्फ फैमिली बैठ के, बहुत मस्त पार्क है लेकिन ये भी भाई लगता है हम लोग कैफे कैंटीन आ गए भाई। हाँ यार हम लोग इको पार्क से लगता है कैफे कैंटीन आ गए। नहीं नहीं ये इको ही पार्क। एक बात है ब्रो, ये पार्क इतना बड़ा है कि एक दिन में एक ब्लॉक पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है। आप लोग एग्री हो? ये पार्क आप लोग आई होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो जहाँ तक एक चीज बता दो आप लोग को, ये पार्क इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक बार एक दिन में एक ब्लॉक कंप्लीट नहीं हो सकता, मैक्सिमम 10 दिन कंटिन्यू घूमना पड़ेगा तो पूरा पार्क कंप्लीट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है जहाँ तक मुझे पता है, मेरा अंदाज बताता है। इवन बहुत बड़ा पार्क है, इतना ज़्यादा बड़ा पार्क है कि आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। ओ भाई ओ भाई साइकिल दो ना हमको भी। ये जगह देखो गाइस, ये जगह में एक फोटो शूट करने का पूरा प्लान हुआ है। और वहाँ पे देखो पेरिस ब्रिज का कॉपी वाला, आप लोगों को पिलर दिखता होगा, रुको मैं ठीक है। हाँ अब देखो वो पेरिस ब्रिज का कॉपी है पूरा, जूम नहीं करना, सिनेमैटिक से रे समझा कर। तो गाइस ये देखो, ये वाला पानी के पास एक फोटो हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। गाइस गाइस हम लोग अब जगह चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को जितना फोटो क्लिक करने को था हम लोग कर चुके हैं। कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, अबे हम सके। तो गाइस अब हम लोग को यहाँ से आगे चलना चाहिए, कुछ कुछ फोटोज लेने रहे, देख रहा है कितना क्राउड है। ए धो हल्का हो जा भाई, हल्का हो जा, काला हो जाएगा। बहुत सारा फैमिली आया हुआ है गाइस, यहाँ पे बहुत क्राउड है। अच्छा यार क्राउड देख रहे थे, बोल रहे उतना भीड़ नहीं होगा, भीड़ नहीं होगा, देख कितना भीड़ है। कहाँ भीड़ है यार? तो यार देख ना
अभी और आएगा, अभी तो 3 बज रहा है ना, 5-4.5 बजने देना। पिकनिक मना रहा फैमिली भी। वो बात बोल रहा उल्टा वो, अभी बोट चलाने का टाइम। सही बात है, थोड़ा सा शाम होने देना। गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं यहाँ पर आके। इवन हम लोग को कोई जगह चाहिए बैठने के लिए जो अभी तक मिला नहीं है। जहाँ देखो वहाँ फैमिली है, जिसको देखो सब तरफ फैमिली बैठ के है। तो हम लोग कहाँ जाए यार, अभी हम लोग कंफ्यूज हो गए कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, अभी कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना, पूरा हम लोग कंफ्यूज हो गए। इवन जहाँ जहाँ अच्छा जगह देख रहे वहाँ वहाँ फैमिली यार। हम लोग को तो धूप में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे बड़ी बात नुकसान अपना ही होगा। कहावत है ना कि नुकसान होना ही होना है भाई। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने ग्लास भी चेंज कर दिया। ग्लास क्यों चेंज किया, वजह बहुत ज़्यादा धूप लग रहा, मेरा हालत ख़राब हो रहा था बस इसलिए। कॉटेज, तो गाइस ये कॉटेज देखो, टिस्ट कॉटेज। इसके अंदर जाने देगा नहीं हम लोग को, झोपड़ी टाइप का पूरा, ये देख सकते हो आप लोग। देखा चल यहाँ पे धूप कम हो भाई। बहुत जगह हम लोग खोजे तो हम लोग कहीं नहीं मिला, सब तरफ फैमिली मिला या कपल मिला या कुछ कुछ फ्रेंड ग्रुप मिला। तो गाइस हम लोग को ये जगह मिला, ये गांच है एंड ये गांच के नीचे हम लोग थोड़ा देर बैठते हैं। उसके बाद जब थोड़ा हल्का धूप जाएगा तब हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, है ना बॉस? यस गाइस, मेरा दोस्त को देखो आसिक को कौन गाना सुन रहा है। यहाँ सब अपना अपना गर्लफ्रेंड को लेके घूर रहा है और उसको देखो कौन इमोशनल सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग सुन रहा है। लग रहा है इसका सही में इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा नहीं हुआ, बहुत बड़ा धोखा हो गया यार। अब खत्म कर, अब मूड सही कर। देख जो इंसान बीच रास्ते में छोड़ के चले जाए वो इंसान हम लोग का कभी हो ही नहीं सकता, मान ली ये चीज। मेरा दोस्त को देखो उसका क्या हाल हुआ है, उसका हाल देखो, क्या हाल कर लिया अपने। उसको गर्मी एकदम बर्दाश्त नहीं, धूप तो लग रहा है उसका सामने मार रहा है, हमको तो धूप लग ही नहीं रहा है। धूप के सामने मैं बैठ के हूँ, एकदम धूप वहाँ और मैं यहाँ बैठ करके हूँ, लेकिन उसको ज़्यादा धूप लग रहा है, बताओ। सो गाइज हम लोग का यहाँ पे स्लिप ब्लॉगिंग नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा रील्स चल रहा है, ब्लॉगिंग चलने वाला है, बट अभी 2 मिनट थोड़ा रील्स बना लूँ यार, उसके बाद ही ब्लॉगिंग करूँगा, है ना भाई। ब्लॉग तो हम लोग का कंटिन्यू है, पर थोड़ा रील्स भी बना, लेकिन BTS नहीं दे पा रहा। इवन एक ही आईफोन और भाई का एंड्रॉइड है जिससे गाना बज रहा है। तो गाइस अब हम लोग को यहाँ से आगे चलना चाहिए, पूरा 4:30 बज चुका है गाइस। 1 घंटा हम लोग यहाँ पे पूरा बैठ के थे तो थोड़ा धूप कम हुआ गाइस, बट अभी भी धूप है लेकिन थोड़ा कम हुआ पहले से। तो अब हम लोग को यहाँ से आगे चलना चाहिए, आगे घूमना चाहिए। एक चीज़ और गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, इवन 30 मिनट प्लस हो चुका है। तो इतना लंबा वीडियो तो एक बार में तो मैं नहीं ना डाल सकता हूँ, कम से कम आधा ये फर्स्ट पार्ट में रहेगा, आधा सेकंड पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा। तो आप लोग देखो ये वीडियो का मजा लो, आज अगर पार्ट 1 आएगा तो 2 दिन या 1 दिन के अंदर पार्ट 2 आ जाएगा। तो टेंशन लेने का नहीं है गाइस, ये पार्क को आज हम लोग को आधा से ज़्यादा पूरा एक्सप्लोर करना, फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा ये पार्क तो फिर पूरा करके खत्म। ठीक, आप लोग वीडियो बने रहो। अकेला खा रहा है ना, ये भी खा, अकेला अकेला लेस खा रहा है, खाना भाई। भूख लग गया यार, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, हम भी नहीं खाए। वैसे यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है तो खाते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये देखो क्या है ना, मोर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे भी आइडिया नहीं है। ये मोर को देखो गाइस, ये सब जगह है यार। गाइस ये क्या चीज है यार, इसके अंदर जाने भी नहीं दे रहा किसी को। हटाओ यार, क्या है समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या है, लग रहा है ये अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा सुनो एक बात बता, ये पार्क का हम लोग नाम बहुत सुन रहे थे, इको पार्क, अच्छा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं ठीक ठाक अच्छा। अबे अच्छा तो निको पार्क हुआ यार, है कि नहीं गाइस? अच्छा अगर देखोगे तो अच्छा तो हम लोग का निको पार्क है। ये पार्क फैमिली के लिए ठीक है, बेटर है, बट अगर बहुत अच्छा देखना है तो वो तो हम लोग का निको पार्क है यार। ये भी अच्छा है, ख़राब नहीं है, बट निको पार्क की तरह नहीं है। अंदर जाएगा, अंदर जाने नहीं देगा भैया, अलाउड नहीं है।
तो गाइज आप लोग ये देख सकते हो, ये पार्क जो है इको पार्क का सबसे अच्छा चीज पता है क्या है, ये जो नदी देख रहे हो ना गाइज, यहाँ का नदी सबसे बेस्ट है यहाँ का। यही चीज जो है इससे ये पार्क और भी ज्यादा खूबसूरत है कि नहीं बॉस? चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। चलो ना यहाँ पे बैठा जाए क्या, यहाँ से बैठने का कुछ प्लान किया जाए? बैठने देगा इसमें यहाँ पे? यहाँ से बैठने का अगर मौका मिले ना, क्या बोला यहाँ पे बैठा जाए सोनू? यहाँ तक बैठने दे सकता है पर वहाँ नहीं देगा शायद। क्या करें, वो तो जाके कुछ काम है। हाँ चलो दोस्तों। तो गाइस फाइनली इतना इंतजार करने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया, आप लोग देख सकते हो धूप एकदम नॉर्मल हो गया, वरना धूप तो जान लगता रहा ले लेगा, सिर्फ धूप को भूलने का दे रहे कि जान ले लो बस, वरना धूप तो एक सेकंड में जान ले लेता है कि नहीं बॉस? इसके अंदर का है सोनू, उसके अंदर भूत है। क्या चीज है? भूत। तो गाइस लगता है यहाँ से इको पार्क अब खत्म होता है, समझे ना डूड, यहाँ से इको पार्क अब खत्म होता है, यहाँ से कोई और रास्ता जाता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ से ये सीधा जो है लगता है कि कैफे क्रांति वाला रास्ता है सीधा, वहाँ से सीधा पूरा जा करके वहाँ पे वो मोड़, वो जो एक्स्ट्रा टावर ब्रिज बना हुआ है कॉपी, यहाँ से पूरा यार कैफे क्रांति निकलता है शायद, एंड यहाँ से हम लोग को सीधा निकल जाना है। देखो उसको वो पगला, वो क्या कर रहा हूँ।